देवरिया कांड में योगी सरकार की बड़ी कार्यवाही। योगी ने 15 अधिकारियों को सस्पेंड करने का दिया आदेश। यादव बनाम ब्राह्मण की राजनीति हुई तेज। अखिलेश ने योगी सरकार की कार्यवाही पर उठाए हैं सवाल। 2 अक्टूबर को हुए देवरिया कांड में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए योगी सरकार ने लापरवाह राजस्व कर्मी और पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की है। इन अधिकारियों में उप जिला अधिकारी, 1 क्षेत्राधिकारी, 2 तहसीलदार, 3 लेखपाल, 1 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल, 2 हल्का प्रभारी और 1 थाना प्रभारी शामिल है। योगी सरकार ने इन अधिकारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में अब तक क्या कार्रवाई हुई है। दरअसल 2 अक्टूबर को इस घटना के बाद से देवरिया के फतेहपुर में तमाम अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है। पिछले दिनों प्रशासन ने मृतक प्रेम यादव के घर को पैमाइश कराई थी। चर्चा थी कि वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिलहाल इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस बीच योगी सरकार ने मामले पर लापरवाही बरतने वाले 15 अधिकारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। इस हत्याकांड की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सत्यप्रकाश दुबे ने ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के संबंध में IGRS के तहत कई शिकायतें की थी। ये शिकायतें पुलिस विभाग और राजस्व विभाग को भेजी गई थी, लेकिन दोनों विभागों के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। मामले की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने राजस्व और पुलिस विभाग के जिन कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, उसमें उप जिला अधिकारी योगेश कुमार गौड़ एवं क्षेत्राधिकारी रुद्रपुर जिला जीत भी शामिल हैं। दोनों को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की थी और योगी सरकार पर हमला बोला था। सुनिए अखिलेश ने क्या कुछ कहा था। यूपी सरकार जहां लगातार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, जो कानून को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही है, सबसे ज्यादा जाने जा रही है, और इसका कारण यही है कि सरकार जीरो टॉलरेंस तो बोलती है, लेकिन किसी को न्याय दिलाने के लिए कोई काम नहीं करती। देवरिया की घटना एक उदाहरण है। देवरिया का जो घटनाक्रम है वो एक उदाहरण है कि किस तरीके से सरकार का काम काज चल रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो मौके पे गए या अस्पताल में जाकर के हालचाल लिया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर प्रशासन सही तरीके से काम करता होता, अधिकारियों ने पहले ही न्याय दिया होता, अधिकारियों ने अन्याय नहीं होने देना था, और सरकार के लोगों ने अगर न्याय दिया होता तो 6 जाने कभी नहीं जाती। अगर 6 जाने गई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कामकाज की वजह से जान गई है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार और अधिकारी जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से जान गई है। और मैं तो सरकार से कहूंगा और सरकार के लोगों से कहूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है किसी घटना में, तो सरकार के लोगों को भी मिलकर के कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अगर जीरो टॉलरेंस का अगर आपका नारा है, तो जो जो अधिकारी रहे हैं जिसने दोनों परिवारों को न्याय नहीं दिया है, चाहे वो DM हो, कमिश्नर हो, SPA हो, DIG हो, IG हो, तहसीलदार हो, SDM हो, लेखपाल हो, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रही है? और अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, तो जब से शिकायतें की हैं परिवार के लोगों ने, उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए, और अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है उन्हें टर्मिनेट करें। तो ये थी देवरिया कांड से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी दे दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।